¿Ready? Tom Caro, mira ese tono. ¿Así lágrimas? Good morning everyone, welcome back to my channel, Priya Vikas Singh. Hey, ये क्या कर रहे हो? आज मैं भी प्रिया के चैनल पे आ गया. So आज actually विकास मेरे साथ आज ब्लॉग बना रहे हो और आप सोच रहे होंगे पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया और मेरा थोड़ा सा रूप भी चेंज हो गया. हाँ, गेटअप चेंज हो गया, आउटफिट चेंज हो गया मेरा. सो एक्चुअली बीच में हम ब्लॉग नहीं बना पाए. मैं बनाने वाली थी जब हम इंडिया आ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया था एक वीडियो में कि मैं इंडिया आ रही हूँ, बट कुछ ऐसा हुआ, मीन्स कि जो मेरा नेफ्यू है उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमारा ब्लॉग हमने आधा बनाया था एक्चुअली में, फिर आधा नहीं कंटिन्यू कर पाए क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और वो हॉस्पिटलाइज था. सो हम वहाँ ब्लॉग नहीं बना पाए, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपना इन लॉज के घर में, मीन्स मेरे ससुराल में मेरा कैसा रूटीन रहता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो मैंने मॉर्निंग में मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, सुबह 8 o'clock अराउंड, और उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद मैं तैयार हुई हूँ. मैं नहीं दिख रही तो अभी. सो मैं हाँ सो मैं तैयार हुई, अंधेरा आ रहा है पर ऐसे आ जाए. हाँ, सो ये मेरी साड़ी है जो आज मैं मंदिर पहन के जाने वाली हूँ. सो मैं यहाँ पर साड़ी ही पहनती हूँ क्योंकि ये जो मेरा घर है वो कहाँ पे भी कटनी के पास एक छोटा सा विलेज है, मध्य प्रदेश में कटनी के पास एक छोटा सा गाँव है, विलेज है, क्या नाम, त्यूरी नाम है, सॉरी तेवरी नाम है. सो यही मेरा लॉज का घर है और ये मेरा रूम है और मैं बस अभी तैयार हूँ. देखिए आप मेरी चूड़ियाँ, रूम बाद में दिखाऊंगी, रूम बहुत ज्यादा मैस है रूम में, रूम नहीं दिखाना है बस. तो मैं तैयार हूँ, अभी मैं मंदिर जाऊंगी, उसके बाद आके खाना वगैरह बनाऊंगी. हमारा नाश्ता ब्रेकफास्ट मतलब हमने कर लिया है, विकास ने भी नहा लिया और हम दोनों मंदिर जा रहे हैं अभी. और बाजू में मंदिर है, मतलब वी आर जैन, सो हमारा एक जैन मंदिर है बाजू में ही, तो वहाँ हम जा रहे हैं. सो मुझे अराउंड 15 या 20 मिनट्स लगेंगे आने में, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी और कुछ लाइफ अपडेट दूंगी कि अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. सो ठीक है ना, मंदिर से आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ. सो गाइज आई एम बैक, और अब मंदिर से आने के बाद मैं चेंज करूँगी क्योंकि ये मेरी मंदिर की साड़ी है, मैं घर की साड़ी पहनूंगी. और हाँ, मैं यहाँ के मतलब घर पर भी साड़ी पहनती हूँ, और मेरे लिए ब्लॉग करना मतलब तरीके से होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो हो सकता है मैं कहीं कहीं रख दिया करूँ अपना फ़ोन. सो या सो अभी बस मैं कुछ लाइफ अपडेट देने वाली थी, जैसे कि हम लोग आ गए थे 17 को, वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी ग्लासगो से, और हम यहाँ पे आ गए थे 20 को. सो मैं एक दिन सागर रुकी थी, मैं सागर का ब्लॉग बनाना चाह रही थी, बट मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दर्श की बहुत तबीयत ख़राब है, इसीलिए हम ब्लॉग बना नहीं पाए. बट मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ का रूटीन दिखाया जाए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना हाउस टूर भी दूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं अपने ससुराल का जो हाउस टूर है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ पे. और एक चीज़ और मेंशन करूँ, मेरे इन लॉज के घर पर सिर्फ मेरे ससुर जी हैं, मीन्स मेरे फादर इन लॉ हैं, और विकास है और मैं हूँ, बस हम 3 ही लोग हैं. और बस अभी मैं जाके खाना बनाऊंगी और थोड़ा सा शूट भी कर लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अच्छी रोटी बनाती हूँ, लाइक कि वहाँ पे इंडक्शन होता है, इतनी फूली रोटियाँ नहीं बन पाती, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी रोटियाँ बनती हैं. सो थोड़ा सा वो भी शूट करूँगी और आज पूरा दिन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपना. सो अभी हम चलते हैं खाना बनाने, पहले मैं चेंज कर लूँ फिर हम खाना बनाएंगे. सो तब तक के लिए बाय. Thank you.
गाइस हमारा खाना सब हो गया है और अभी जो टाइम हुआ है वो 12:30 हुआ है, मतलब 12:30 बजे हैं अभी। और मैं बस जो मन के साड़ी पहन गई थी वो तह लगा के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाते समय ब्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। सो बस अब ये करने के बाद अभी आज, जैसे कि आज मैं बताना भूल गई कि आज सैटरडे है, मीन्स कल दिवाली है, और एक्चुअली हम जैन है तो हमारी दिवाली मंडे की है। सो आज मैं लगवाऊंगी मेहंदी, तो उसका भी थोड़ा सा ब्लॉग शूट करूंगी मैं। सो अभी जल्दी से हम ये कर लेते हैं, और अभी वो मेहंदी लगाने वाली आने वाली होगी तो मैं अभी रेस्ट भी नहीं कर पाऊंगी। और विकास भी आ गया पीछे से, मेहंदी लगाने वाली नहीं हूँ, तुम लगा दो मेहंदी, लगा दे यार, लगा देना। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ, कैसी लगती हूँ साड़ी में, अच्छी नहीं लगती है, अच्छी लगती है, मैं तो बोलता हूँ कि यूके मेरी साड़ी पहन। मैं इस बार लेकर जाऊंगी, पिछली बार लेकर गई थी ना मैं, तो इस बार यूके साड़ी लेकर जाऊंगी। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग कैसी लगी? अगर आप लोग मेरा साड़ी कलेक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं। और बस अभी मेहंदी लगाने वाली आती है, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। गाइस मेरी मेहंदी पूरी कंप्लीट हो गई है, सी अभी विकास आपको अच्छे से क्लोज अप देगा। और मैं थोड़ी सी बाई टाइप बनी हुई हूँ क्योंकि मैं मेहंदी लगवा रही थी, और मैंने देखी कितनी सारी मेहंदी लगवाई, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। सो अभी तो ये ड्राई होगी, उसके बाद हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसको ड्राई होने में एटलीस्ट 1 आवर तो लगेगा ना। हाँ, तो अभी क्लोज अप देगा विकास आप लोगों को। गाइज मेरी मेहंदी ड्राई हो रही है, बट उसके पहले विकास ने मेरे लिए चाय बना के दी है क्योंकि मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, और इस हाथ की मेहंदी थोड़ी सी ड्राई हो गई, इसलिए मैंने ट्राई पॉड को अपने हाथों में होल्ड किया है। मैंने आप लोगों को बता दूं कि मैं विकास को थैंक यू बोलना चाहती हूँ टी के लिए, मैं कितनी अजीब लग रही हूँ, इट्स ओके, ठीक ही लग रही हूँ, आई मीन साइड लाइट उल्टी पड़ रही थी। सो ये मेरी मेहंदी, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मेहंदी ड्राई हो जाएगी और उसके बाद फिर मेरा क्या रूटीन रहता है फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, सो तब तक के लिए बाय। सो गाइस अभी मैंने चेंज कर लिया है, मेरी मेहंदी ऑलमोस्ट सूख गई है, और एक्चुअली मैं मेरी जो जिठानी है मतलब विकास के बड़े पापा की बहू, उनके बेटे का आज बर्थडे है, सो उसका बर्थडे सेलिब्रेट होना है, तो वही उसके लिए मैं जा रही हूँ। सो अभी मैं रेडी हुई हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में साड़ी पहनी थी वही साड़ी पहनी है, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यही साड़ी मैंने पहनी है, और हम बस अभी निकल रहे हैं, देखो हम वहाँ ब्लॉग बनाते हैं या नहीं बनाते, लेट्स सी, बट यही मेरा रूटीन है। और अभी हो गया है 4:30, तो अभी हम लोग 4:30 पे जा रहे हैं, और अब देखो कब तक वापस आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मैं मिलूंगी, होगा तो वहाँ थोड़ा बहुत शूट करेंगे, हाँ, और आप लोगों को उससे भी मिलाएंगे जिसका बर्थडे है आज, थोड़ा सा ऐसे वीडियो बना लेंगे ना मोबाइल निकाल के। तो हम अभी चलते हैं, और अभी हम लेट हो रहे हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी जाते हैं, ओके। सो गाइस मैं वापस आ गई हूँ, और ये देखिए अब मेरा रूम कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया है, और सो अभी मुझे चेंज भी करना है और मुझे डिनर भी बनाना है, सो देखते हैं कि क्या बनाना है। वैसे मुझे
सुबह मैंने कुछ बना के रखा हुआ था और मुझे साबुदाने की खिचड़ी भी बनानी है आज, तो देखते हैं लेट्स सी क्या बनता है। अभी मैं पहले चेंज कर लेती हूँ देन, और अभी जो टाइम हुआ है वो हो गया है, अभी टाइम हुआ है सेकेंड या सो अभी टाइम हुआ है 6 o'clock, सो अब मैं जल्दी से डिनर बना लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पापा लोग रात में खाते नहीं है खाना, सो मैं जल्दी से डिनर बना लेती हूँ, फिर डिनर बनाने के बाद आप लोगों से मिलूंगी। सो बेसिकली यही मेरा रूटीन होता है, लाइक मैं सुबह, क्योंकि यहाँ पे वैसे हाउस होल्ड काम के लिए बाकी सब लगे हुए हैं लाइक झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन के लिए, बट मुझे खाना तो खुद ही बनाना होता है ना, सो मैं अभी डिनर बनाऊंगी। सो यही मेरा सिंपल रूटीन होता है, बाहर थोड़ा देर, अभी मैंने थोड़ी गप्पे मारी लाइक की चाची लोगों के साथ, मेरी चाची सास रहती हैं बहुत सारी यहाँ पर। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा तो मैं डेफिनेटली सबसे मिलाऊंगी आप लोगों को, और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि अभी हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं, सो इतना ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ मैं, बट लेट्स सी। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर देना, और ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। सो गाइज आई एम बैक, और अभी 8:30 हो रहा है, और डिनर और लंच करने के डिनर करने के बाद मैंने और साबुदाने की खिचड़ी बनाई थी, सो ये है साबुदाने की खिचड़ी जो कि बहुत टेस्टी है और इसमें बहुत सारा अचार है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत टेस्टी अचार बनाया है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं खिचड़ी के साथ खाऊंगी। बस मेरा दिन यही था, यही मेरा रूटीन होता है यहाँ पर, मीन्स मेरे इन लॉज के घर या ससुराल में। सो बस अभी बस हम ये फिनिश करेंगे, थोड़ा सा मैं मोबाइल चलाऊंगी, कुछ वीडियो एडिटिंग करूंगी और उसके बाद हम सो जाएंगे। सो ये मेरा फुल डे रूटीन था, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। मैं आप लोगों को किसी से मिला नहीं पाई, बट नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा ना, नेक्स्ट टाइम मैं आपको सब लोगों से मिलाऊंगी, मेरी फैमिली वगैरह सबसे क्योंकि सब लोग इतना ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस होते हैं, इसीलिए मैं उस तरीके से मिला नहीं पाई। पर अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे और सारे लाइक करोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि मेरी बहुत सारी चाची सास हैं और बहुत बड़ी फैमिली है हमारी जो हम लोग साथ में ही रहते हैं, वन बाय वन घर है हमारे, सो बहुत बड़ी फैमिली है। सो अगर आप लोग पसंद करेंगे इस वीडियो को तो मैं डेफिनेटली सबसे मिलाऊंगी आप लोगों को, और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा। क्या लगता है तुमको, अच्छा लगा होगा? विकास को सब अच्छा लगता है। सो अभी हम बस ये ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, और भी कुछ मैं आपको बता नहीं पाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि दिवाली पर या फिर नेक्स्ट कभी फिर ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी, अभी मेरे बाल भी बहुत अजीब हो रहे हैं। सो बस अभी का ब्लॉग यहीं फिनिश, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।